और अमेठी से बड़ी खबर आ रही, तहसील के घूसखोर बाबू का वीडियो वायरल हुआ है। मछली पालन के पट्टी की फाइल बढ़ाने के लिए रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। मुसाफिरखाना तहसील में तैनात रिश्वतखोर बाबू, वीडियो में तहसील के बाबू रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो अमेठी से बड़ी खबर, घूसखोर बाबू का वीडियो वायरल हुआ है। मछली पालन के पट्टे की फाइल को आगे बढ़ाने के लिए बाबू रिश्वत मांग रहा था, जिसका वीडियो वहां पर खड़े किसी युवक ने बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। मुसाफिरखाना तहसील में तैनात रिश्वतखोर बाबू और वीडियो में तहसील के बाबू रिश्वत लेते भी देखे जा सकते हैं। और अमेठी से हमारे संवाददाता लोकेश त्रिपाठी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। लोकेश, एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें तहसील में तैनात एक बाबू लोगों से रिश्वत लेते हुए साफ तौर पर दिखाई जा सकते हैं। जी धीरेन्द्र जी, आपको बताना चाहूंगा कि जब से लॉकडाउन चला है, तमाम 55,000 लगभग बाहर से आए हुए हैं, उनको काम नहीं मिल रहा है। वो काम की तलाश में कुछ काम करना चाहते हैं, जिसको लेकर वहां का एक युवक जो है मछली पालन का काम करना चाहता था, जिसके पास जिसको पट्टे का पट्टा कराना था और उसकी फाइल तहसील में उसने लगाई है और उस फाइल को आगे बढ़ाने के लिए तहसीलदार का जो यहाँ पहुँचाने के लिए वो 3,000 रुपए की मांग उससे लगातार कर रहा था। जो है वो गया था वहां पर, उसके पास पैसे थोड़े ही थे, वो दे रहा था। उसी समय किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जिसको जो वायरल हो रहा है। निश्चित रूप से ये जो इतना पीपीआईपी क्षेत्र में भी कहा जाता है, आए दिन घूस लेने का मामला, बिना घूस के कोई काम यहाँ पर चलता नहीं है। और लगातार ये जो है, अभी कुछ दिनों पहले एडीओ पंचायत सुकुल बाजार के वो घूस लेते उसका वीडियो वायरल हुआ था, सीधे पैसे लेते दिखाया गया था। अभी ये तो बिना घूस के कोई काम चल नहीं रहा है। और अगर हम कार्यवाही की बात करें तो कार्यवाही के नाम पर सिर्फ खाना पूती होकर रह जाती है। जी जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।